नमस्कार, आदाब और हेलो। रहगुजर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आइए रूबरू होते हैं आज की कहानी से, जिसका शीर्षक है फोन की घंटी। फोन की घंटी बजी जा रही थी। ऐसा नहीं कि कुछ देर में बंद हो जाए, जैसा कि आमतौर पर होता है। किसी तरह मैं बिस्तर से उठकर मेज की तरफ गया। फोन उठाकर देखा तो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। फोन के स्क्रीन पर लिखा था, परी कॉलिंग। फोन आखिरकार बजकर बंद हो गया, लेकिन वो सन्नाटा, वो भी कुछ अजीब था। हालांकि कोई कारण समझ नहीं आया, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। डर। डर शब्द का अर्थ आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आप उसे महसूस नहीं करते हैं। मुझे डर लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े थे, मुंह सूख रहा था, हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी और कलेजा मुंह को आ रहा था। घबराहट से तो फिर भी थोड़ा परिचय था, कभी कभी हो जाती थी, लेकिन डर, शायद असली डर, आज से पहले कभी नहीं लगा था। पलकें झपकाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे पलक झपकते ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। खिड़की के बाहर लगे पीपल के पेड़ की पत्तियों की सरसराहट एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रही थी। स्ट्रीट लैंप की रोशनी से उभरने वाले साए मानो पीपल के पेड़ से उतरकर खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में घुस रहे थे। हाथों को तो जैसे लोहे की जंजीरों ने जकड़ रखा हो, उठ ही नहीं पा रहे थे। मैं पास के टेबल पर पड़े अपने फोन की तरफ लगातार देख रहा था। फिर भी जब रात के सन्नाटे को चीरती हुई मेरे फोन की घंटी दोबारा बजी, तो दिल उछल कर मुंह में ही आ गया। बीते हुए 5 साल एक पल में मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। 5 साल पहले मेरी मुलाकात प्रेरणा से हुई थी। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। प्रेरणा बहुत ही सुंदर थी और सभी से बहुत प्यार से बात करती थी। मुझे उसके रूप और गुण बहुत पसंद आए। मेरे परिवार वाले मेरे लिए लड़की देख रहे थे। मैंने प्रेरणा के बारे में उन्हें बताया। प्रेरणा अच्छे घर से थी। उसके पापा का अपना बिजनेस था और वो उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने रिश्ते की बात छेड़ दी। देखते देखते हमारी शादी हो गई। शुरू में तो सब ठीक ठाक ही था। हमने जो जो मांग की थी वो उन्होंने पूरी की, लेकिन फिर प्रेरणा के पापा को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। उनको कर्जा चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी कोठी बेचकर एक किराए के घर में जाना पड़ा। प्रेरणा की मम्मी एक टीचर रह चुकी थी, तो पास के एक स्कूल में उन्होंने फिर से नौकरी कर ली। उनका घर उसी से चलता था। प्रेरणा अब जब भी उनसे मिलने जाती तो अक्सर खाली हाथ वापस आती। ये बात मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने प्रेरणा को उसके माँ बाप के घर जाने से मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी बार बार अपसेट हो जाएं। प्रेरणा ने इस बीच रोना धोना भी कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया था। मुझे उससे चिड़ सी होने लगी थी। न वो बनसंवर कर रहती, न खुश रहती, नहीं किसी से ज्यादा बात करती थी, और अब तो वो सुंदर भी नहीं लगती थी। मुझे उससे बोरियत सी होने लगी थी। एक दिन पता चला कि प्रेरणा प्रेग्नेंट है। उस दिन वो बहुत खुश थी और उसके माँ बाप भी। मम्मी ने मुझे समझाया कि ये पता करना जरूरी है कि बच्चा लड़का है या लड़की।
उन्हें एक प्राइवेट क्लिनिक के बारे में पता था जो एक काम करता था। चेकअप करवाने का बोल के मम्मी प्रेरणा को वहां ले गई और पता चला कि प्रेरणा को लड़की होने वाली है। मम्मी ने वापस आकर कहा कि प्रेरणा को अबॉर्शन करवा लेना चाहिए क्योंकि लड़की होने वाली है। प्रेरणा ने तो तूफान खड़ा कर दिया। वो प्रेरणा जिसने 4 साल तक कभी किसी से ऊंची आवाज में बात ही नहीं की थी, हर बात चुपचाप मानी थी, उसने पूरे परिवार को पुलिस की धमकी दे डाली। मम्मी के आंख के इशारे को समझकर मैंने प्रेरणा को शांत किया। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूं। मैंने प्रेरणा का खास ध्यान रखना शुरू किया, उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाना, उसे आराम करवाना, उसका मूड अच्छा रखना वगैरह वगैरह। प्रेरणा कुछ ही दिनों में खिल सी गई। एक दिन उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, हम अपनी बेटी को परी बुलाएंगे। देखो ना, वो अभी से हमारे जीवन में इतनी खुशियां ले आई है। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। प्रेरणा परी के आने की तैयारियों में लग गई। उसका पालना मंगवाया, कपड़े खरीदने शुरू कर दिए और बेसब्री से परी के आने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख 10 नवंबर बताई। इत्तेफाक से इस साल उसी दिन दिवाली भी पड़ रही थी। प्रेरणा अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में थी। मैं रोज की तरह प्रेरणा के लिए रात को दूध गर्म कर रहा था। मम्मी मेरे पास आई और बोली, अब समय ठीक है। मैंने सब पूछताछ करके ये दवा मंगवाई है, दूध में मिलाकर दे दे। रात को जब दर्द उठेगा तो एकदम से डॉक्टर को फोन मत करना, एक बार ब्लीडिंग शुरू हो जाए फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल। मम्मी की बात मेरी समझ में आ गई। अब यही तरीका था अनचाही प्रेगनेंसी से निपटने का। मैंने प्रेरणा को दूध का गिलास थमा दिया। करीब रात के 2 बजे प्रेरणा को दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो दर्द से रोने और चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि मैं एम्बुलेंस बुलाने जा रहा हूँ और नीचे जाकर मैंने आराम से 2 सिगरेट पी। तभी मम्मी बाहर आई, जल्दी से एम्बुलेंस बुला ले, ब्लीडिंग शुरू हो गई है और कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और प्रेरणा के साथ हॉस्पिटल गया। वहाँ पहुँचने तक प्रेरणा बेहोश हो चुकी थी। पहुँचते ही इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा कि प्रेरणा को ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। करीब 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद पता चला कि बच्ची नहीं रही और प्रेरणा क्रिटिकल है। प्रेरणा 2 दिन बाद स्टेबल डिक्लेयर की गई और फिर आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुई। इस पूरे दौरान उसने मुझसे एक शब्द नहीं बोला था। वार्ड में आने के बाद जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा, डिस्चार्ज के बाद मैं मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी, तलाक के कागज वहीं भिजवा देना और आज के बाद यहाँ आने और मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने मम्मी को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुई और जल्दी से तलाक की कार्यवाही शुरू करने को कहा। 6 महीने बाद हमारा तलाक फाइनल हो गया। अतीत में से मैं एकदम तब बाहर निकला जब फोन की घंटी फिर बजने लगी। परी कॉलिंग। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। हेलो। 2 लम्हे के लिए कोई आवाज नहीं आई। कौन बोल रहा है, मैंने पूछा। तभी एक मीठी सी आवाज में एक बच्ची बोली, पापा मुझे विश नहीं करोगे, आज मेरा पहला बर्थडे है। मेरे कांपते हाथों से छूटकर फोन नीचे गिर गया। सामने की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर आज की तारीख हाइलाइटेड थी, 10 नवंबर। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली कहानियों के बारे में पता चलता रहे। हम ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।